सत्ता पक्ष में जो नीतीश सरकार बैठी हुई है उनके दबाव में आ करके बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने हुए और हम लोगों के घर को ध्वस्त करते आ रही है। यदि अवैध है तो वहाँ पर निर्माण कैसे चल रही है? वहाँ पर प्रशासन है और प्रशासन के और नीचे निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा है और प्रशासन देख रही है। यदि अवैध है तो हम लोगों को बिजली की सुविधा आखिर कहाँ से मिली? नगर निगम टैंक। यदि अवैध है तो हमें रोड की सुविधा आखिर सरकार ने क्यों दी? यदि अवैध है तो हम लोगों का नगर निगम का टैक्स कैसे कट रहा है? पुलिस जो है, जेंट्स पुलिस और महिला लोग के ऊपर में लाठी बरसा रही है, बच्चे को घर से घींच के मार रही है, महिला को घर से घींच के मार रही है। जो लोग घर के बाहर मतलब घर में अंदर बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खुलवा करके उनको मारा जा रहा है। हमारा कहना है कि हम लोग ठीक है, अगर हम लोग उसमें अवैध में हैं, आप कहते हैं कि ये हाउसिंग की ज़मीन है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप जिस हाउस जिसको आप जिस किसान को आप पेमेंट दिए हैं उसका लिस्ट आप सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन जनता जो हार्ट अटैक के मर गया है, कोई बुलडोजर से टकरा के मर गया, कोई किसी को शॉट लगा उससे मर गया, उसको डेड बॉडी भी नहीं निकालने देते हैं। अधिग्रहण थी तो 1974 में अधिग्रहण किया गया था, आज तक आवास बोर्ड कहाँ थी? जब किसान का पैसा नहीं मिला तभी तो किसान हम लोग से ज़मीन बेची और हम लोग अपना बहन बेटी का गहना गुड़िया बेच करके अपना कमाई का सारा औकात पैसा लगा करके घर बनाए जैसे तैसे, और एकाएक आकर के 10 दिन में महीना दिन के नोटिस पीरियड दे करके, वो व्यक्तिगत नहीं कि 20 एकड़ तोड़ेंगे 100 एकड़ तोड़ रही है, 400 एकड़ तोड़ रही है, ये कहाँ के नियम है? देखिए किस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान रहे। दिन भर सुबह 3 बजे से ही बुलडोजर चलने शुरू हुए और लगातार जो स्थानीय लोग हैं प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि हमारे घर को, हमारे आशियाने को ना उजाड़ा जाए। कई लोग बेहोश भी हुए थे क्योंकि बहुत खर्चे के साथ घर बनाए जाते, ख़ास तौर के पटना के पौस इलाके में घर होना होता है। और इस वक्त हम लोग पटना के राबड़ी लालू आवास पे मौजूद हैं और तमाम ये लोग मौजूद हैं जो गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं, कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पंकज मिश्रा नाम हुआ। पंकज जी ये बताइए क्या समस्या लेकर के आप आए हैं? हमारी समस्या है कि अभी नेपाली नगर में जो हम लोगों का घर है, जो अपने खून पसीने की कमाई से हम लोग बनाए हैं और वर्षों से वहाँ पर रहते आ रहे हैं, प्रशासन पूर्ण रूप से और सत्ता पक्ष में जो नीतीश सरकार बैठी हुई है उनके दबाव में आ करके बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने हुए और हम लोगों के घर को ध्वस्त करते आ रही है। हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से भी अभी गुहार लगाने के लिए आगे बढ़ा है और स्थानीय विधायक जो हैं वो भी हम लोगों के साथ पक्ष में खड़े हैं और वो भी अपने स्तर से दिन रात लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से जमीन को अवैध बताया है। क्या वाकई में अवैध है? यदि अवैध है तो वहाँ पर निर्माण कैसे चल रही है? वहाँ पर प्रशासन है और प्रशासन के और नीचे निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा है और प्रशासन देख रही है। यदि अवैध है तो हम लोगों को बिजली की सुविधा आखिर कहाँ से मिली? नगर निगम टैंक। यदि अवैध है तो हमें रोड की सुविधा आखिर सरकार ने क्यों दी? यदि अवैध है तो हम लोगों का नगर निगम का टैक्स कैसे कट रहा है? किसान को मुआवजे की राशि अभी तक नहीं मिली है। सरकार बोलती है कि हमने मुआवजा दे दिया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को, जो किसान का कहना है कि हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा और सरकार अपने अधीन वह ज़मीन को अधिग्रहण कर लेगी, ये कहाँ का न्याय है ये समझ में नहीं आता है। अधिग्रहण करने का भी एक प्रक्रिया होता है, सरकार सभी लोगों के साथ बैठ करके एक जो समन्वय रास्ता निकल सकता है कि जो भी जिनका भूमि है, भूमि के ऊपर जो मकान बना हुआ है उसके वैकल्पिक व्यवस्था कोई ना कोई खड़ा करके, इस तरह से मार करके जब लोग धरना भी बैठ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं, तो प्रशासन बलपूर्वक उन्हें मार रही है। सरकार कहा था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लोगों को स्थानांतरित करेंगे, तब जा करके उनका कुछ हिस्सा मतलब लेंगे। बात रहा अधिग्रहण का, अगर सरकार द्वारा अधिग्रहित ज़मीन थी तो सारा सुविधा बिजली पानी रोड सड़क बनवाए, सुविधा रहने के लिए दिया। आज एकाएक दमनकारी बन करके कह रहे हैं कि मतलब ये है ही नहीं, एकाएक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि ठीक है सरकार, किनसे मुलाकात करने हम लोग तेजस्वी यादव से मुलाकात करने क्या बोले हैं, कोई मिलने के लिए? अभी बात अभी होगी, अभी अंदर मैसेज अंदर दे दिया गया है समझे, तो हम लोग न्याय के भी मतलब उसमें लगे हुए न्यायालय में भी,
और उम्मीद है कि यहाँ भी हम लोग मिल ही करके जाएंगे। आज भी कार्रवाई चल रही है और बहुत दुखित एकदम लग रहा है कि हम लोग के ऊपर जो है ना, मतलब किस टाइप का कहें, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस जो है, जेंट्स पुलिस और महिला लोग के ऊपर में लाठी बरसा रही है, बच्चे को घर से घींच के मार रही है, महिला को घर से घींच के मार रही है। जो लोग घर के बाहर, मतलब घर में अंदर बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खुलवा करके उनको मारा जा रहा है। हमारा कहना है कि हम लोग ठीक है, अगर हम लोग उसमें अवैध में हैं, आप कहते हैं कि ये हाउसिंग की ज़मीन है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप जिस हाउस, जिसको आप, जिस किसान को आप पेमेंट दिए हैं, उसका लिस्ट आप सार्वजनिक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको किशोर प्रसाद से भी आप लोग मुलाकात, हम लोग मुलाकात किए हैं, मगर वो मतलब बात बोले थे, वो लोग हम लोग को डार्क में रख रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये मामला मेरे व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में नहीं है, हम इसको देखते हैं, फिलहाल हम कहीं जा रहे हैं, उसके बाद आकर के मामले को देखेंगे। लेकिन उसके अधिग्रहण थी, हमारी अधिग्रहण थी तो 1974 में अधिग्रहण किया गया था। आज तक आवास बोर्ड कहाँ थी? जब किसान का पैसा नहीं मिला तभी तो किसान हम लोग से ज़मीन बेची, और हम लोग अपना बहन बेटी का गहना गुड़िया बेच करके अपना कमाई का सारा औकात पैसा लगा करके घर बनाए जैसे तैसे, और एकाएक आकर के 10 दिन में महीना दिन के नोटिस पीरियड दे करके, वो व्यक्तिगत नहीं कि 20 एकड़ तोड़ेंगे, 100 एकड़ तोड़ रही है, 400 एकड़ तोड़ रही है, ये कहाँ के नियम है? हम बिजली पानी इलेक्ट्रिक सब ले रखे हैं, टैक्स तक दे रहे हैं, लेकिन हमारी क्या स्थिति है कि आज हम घर में रह करके आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी हैं, मार हमको रहे हैं। बड़े उम्मीद से वोट दिए जी, नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद से वोट दिए थे हम लोग कि ये आए हैं सुशासन बाबू हैं, हम लोग का अच्छा होगा, लेकिन क्या स्थिति है? अभी हम लोग आए हैं तेजस्वी यादव के पास निवेदन लेकर के, किसी तरह मिलने का मौका मिल जाता तो आपके माध्यम से भी तो बहुत बड़ा। आप बताइए क्या बोल रहे थे? नहीं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हमारा का नाम है कि जो पुलिस लोग के कुछ होता है रोड़ाबाजी तो अपना मीडिया वाले सब लोग दिखाते हैं, लेकिन जनता जो हार्ट अटैक के मर गया है, कोई बुलडोजर से टकरा के मर गया, कोई किसी को शॉट लगा उससे मर गया, उसको डेड बॉडी भी नहीं निकालने देते हैं। प्रशासन नीच में वो नहीं आता है, प्रशासन इतना पावरफुल है, जैसे अभी मीडिया वाले हैं उनको वो लोग ने कैप्चर कर लिया है, वो अपना कुछ क्राइम होता है तो वो दिखाता है, लेकिन जनता मरता है तो नहीं। न्यूज में लोग मर कितने लोग मर, कम से कम 4 आदमी मर, 3 लोग मर गए हैं, उसको नहीं में आज एक भी न्यूज में नहीं है, लिखा हुआ है कि जनता लोग मोबाइल से मतलब गलत मैसेज संदेश फैला रहे हैं कि मृत्यु हो गई है, 3 आदमी स्पॉट डेट है, एक आदमी का हार्ट अटैक हो गया जो कल आज सुबह पता चला, 4 हो गए और 4-5 आदमी मतलब अति सीरियस है। महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया को लोग, सरकार अपने अथी में पावर में भ्रम में फैला रहा है, छपने नहीं दे रहा सच्चाई नहीं इसको, एकदम नहीं। क्या करेंगे? मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं माजरा है 1024 एकड़ का, ठीक है, 1024 एकड़ सरकार एक काम करे, जो किसान को पैसा दिया है उसका लिस्ट सार्वजनिक करे 1024 एकड़ का। हम लोग स्वेच्छा से अपने से खुद अपना मकान 1024 एकड़ तोड़ने का नोटिस निकाले, 1024 एकड़ अपने से खुद विदाउट सरकारी खर्च के अपने बदौलत मकान तोड़ करके उनको जमीन मुहैया करा देंगे, वसरते 1024 एकड़ का वो नोटिस निकाले कि 1024 एकड़ हम पूरा लेंगे। तो वो तो वहाँ पे कह रहे थे कि हम नोटिस दिए हैं 10 दिन पहले ही नोटिस दे दिए। ये नोटिस किस काम का? एक एक बात बतलाइए, एक माँ के 2 संतान, ठीक है, एक मर्डर, दोनों मर्डर कर दिया, एक ठो को जेल एक ठो को बेल, ये आपके कहाँ का न्याय है बतलाइए? एक ठो का जेल एक ठो का बेल होगा, ये सुशासन बाबू है, राक्षस बाबू है, ये तो राक्षस बाबू हैं। तो क्या लगता है तेजस्वी जी से मुलाकात के बाद कुछ बात बनेगी? हमें तो लगता है कि कुछ रास्ता बननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजीव नगर के, नेपाली नगर इलाके के ये सभी स्थानीय निवासी हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे इनके घरों को, इनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है, काफ़ी परेशान हैं, और इसी समस्या को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए ये पहुँचे हुए हैं, और इन्होंने बताया कि वहाँ पे 4 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस बात को रिवील नहीं किया जा रहा है। यह स्थानीय निवासी हैं और ये बातें जो हैं वो बता रहे हैं कि 4 लोग मर चुके हैं, कई लोगों की स्थितियां गंभीर बनी हुई है। बहरहाल, लगातार हम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे, आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। इस खबर पर आपकी क्या राय है देते जाइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।